स्टूडेंट्स हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, हमें ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, और वो भी डिवीजन मेथड से। ओके तो सिंपल है, हम लोग इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे, सिंपल डिवीजन जो हम पहले क्लासेस में करते आए हैं। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो यस ये इसका फैक्टर है, नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल डिवीजन से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी जो एक्सपोनेंट है हर टर्म की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ 5 है, फिर इसकी डिग्री 3 है पावर, इसकी पावर फिर 2 है, इसकी पावर 1 है, और कॉन्स्टेंट की पावर 0 होती है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नो प्रॉब्लम। x रेज टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसी तरह इसकी भी दोनों की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, देखो कम 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 होती जा रही है पावर। हमें चाहिए x की पावर 5 और हमारे पास है x क्यूब, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, ऊपर ऊपर वालों को हाईएस्ट को। पावर 3 है पावर 5 है, x स्क्वायर आएगा। इट मींस हमें किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर से इसको 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 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं शुरुआत, x स्क्वायर के x क्यूब से करोगे x की पावर 5, एक्स स्क्वायर के माइनस 3x से करोगे माइनस 3x क्यूब। क्यूब के नीचे क्यूब लिखना भाई, ठीक है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे वालों के साइन चेंज, पहले वाला हमेशा कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो हमारी डिवीजन कहीं ना कहीं गलत है स्टूडेंट्स। माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस का 3 1 बचेगा, माइनस 1x क्यूब, 1 तो हम लिखते नहीं कोफिशिएंट में, प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर गया ये तो। ऊपर जो भी वैल्यू बच गई सारी टर्म को नीचे उतार लो भाई, 3x प्लस 1 कुछ भी नहीं छोड़ना ऊपर। सिंपल डिवीजन में हम लोग एक एक डिजिट उतारते थे जब इंटीजर्स की करते थे, लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, सारी टर्म नीचे उतार लेनी है। अब हमें चाहिए माइनस एक्स क्यूब और हमारे पास है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब में बदलने के लिए मीन्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें। माइनस 1 की सभी से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 की इससे करो माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 की इससे माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस 1 और प्लस 1 माइनस का 1। नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल, प्लस का है माइनस का है ये भी कैंसिल, प्लस का 1 प्लस का 1 मीन्स प्लस का 2 बचा, रिमाइंडर 0 नहीं आया बच्चों, रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके एच रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, हेंस क्या कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट्स आप लोगों ने, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ किसका बच्चों, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता। इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट, ट्राई करो, थैंक यू।